नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में जिसमें हम रिपोर्टर से जुड़ते हैं और उनकी विधानसभाओं के हालात जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कम समय बचा है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और वहां जाकर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी पहुंची थी और घोषणा पत्र जारी किया था। गरीब तबके के लोग और जो आर्थिक स्थिति जिनकी मजबूत नहीं है उन लोगों को यहाँ पर घोषणा पत्र में जगह दी गई है। इसके अलावा बीजेपी भी अपने दमखम के साथ मैदान में है और अपने 5 सालों का ब्यौरा जनता के सामने रखती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो वो भी नए विजन के साथ मैदान में है और कुछ निर्दलीय हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से आम जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और अब जनता ने मन बना लिया है तीसरा विकल्प चुनने का। तो ऐसे में लक्सर और सितारगंज की जनता क्या चाहती है, यहाँ का माहौल कैसा है और क्या घोषणा पत्रों का और इसके अलावा जो तमाम वादे और दावे किए जा रहे हैं उसका असर आम जनता पर पड़ रहा है या फिर तीसरा विकल्प चुनने की तैयारी आम जनता ने कर ली है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अगले आधे घंटे आप हमारे साथ बने रहिएगा। उससे पहले कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं लक्सर और सितारगंज की। तो ये तस्वीरें हैं लक्सर और सितारगंज की जहां पर लगातार प्रत्याशी नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं और जो एक खुशी का माहौल है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का महापर्व चुनावों को कहा जाता है। उससे पहले की तैयारियां आप देख सकते हैं, चुनावी माहौल पूरी तरह से सजा हुआ है। कुछ तस्वीरें आप देखेंगे, अगर विकास की बात करें तो कुछ गांव तक पक्की सड़कें नहीं पहुंची हैं, कुछ गांव तक पहुंची है, गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है। ऐसे में किस तरह से यहां के लोग गुजर बसर कर रहे होंगे ये अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। यहां पर ना तो सड़क है ना ही पक्की नालियां बनी हुई हैं, इन कच्ची सड़कों पर अपने वाहनों को निकालने के लिए आम जनता मजबूर नजर आती है। मेरे सहयोगी प्रवीण सैनी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले हम उनका रुख करेंगे उसके बाद हम सितारगंज भी जाएंगे। प्रवीण, कैसे हालात हैं लक्सर में? कुछ तस्वीरें हमने देखी है, जिस उम्मीद से आम जनता ने बीजेपी को वोट दिया था उस उम्मीद पर क्या बीजेपी खरा उतरी है लक्सर में? देखिए बिल्कुल काजोल, बताना चाहूंगा कि जो लक्सर विधानसभा है और जो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी संजय गुप्ता उनके द्वारा जो क्षेत्र में विकास की बात कही जाती है, क्योंकि लगातार विकास किया गया है, लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का विकास किया गया है। जो उनका निवास स्थान है जहाँ उनकी पैतृक गम है, उन्होंने वहां पर भी कोई विकास नहीं किया। आपने तस्वीरों में देखा होगा किस तरह से वहां की जो सड़कें हैं उनमें किस तरह से पानी भरा पड़ा है, कितनी तरह कीचड़ है, लेकिन और विकास के नाम को लेकर लोग भाजपा पार्टी तीसरी बार भी उनको अलग भाजपा को मौका दिया है, लेकिन जो क्षेत्रीय जनता है वो तो आने वाला 14 तारीख का जो समय होगा उसमें जो भाजपा के विधायक जो था उनको बता देंगे कितना विकास हुआ है। अगर विकास उनका होता तो जगह जगह उनका विरोध ना हो पाता, लेकिन जहां भी वो कोई भी समुदाय उसमें लगातार जो भाजपा के विधायक जो था उनका लगातार विरोध हो रहा है और इससे अनुमान लगाया जाता है कि कितना बड़ा विकास है। हाँ, जो एक विकास तो उन्होंने जोड़ किया होगा कि जो हमारे यहाँ एक नित्यानंद स्वामी जो सर्वप्रथम सरकार थी उसमें एक लक्सर में एक डिग्री कॉलेज आया था, जो वो भी अपने बहुबल के द्वारा जो खानपुर के विधायक थे कंवर प्रणव सिंह, उन्होंने वो अपने विधानसभा में ही शिफ्ट करा दिया था। और अगर मैं बात करूं अगली स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के लगातार दावे तो बहुत करते हैं संजय गुप्ता जी, जो हमारे यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको लेकर उन्होंने कहा था कि इसको एक सिविल हॉस्पिटल का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन घोषणा तो लगातार की गई लेकिन धरातल तक आज तक ना तो कोई इसका जीवपात हुआ है ना ही आज तक कोई वहां पर ऐसे ही जो डॉक्टर जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता है जब भी उनको कोई दिक्कत होती है तो उनको या तो रुड़की या हरिद्वार या हाई सेंटर रेफर करना पड़ता है, लेकिन यही विकास यहाँ है। और रही बात विकास की, अभी कुछ दिन पूर्व ही जो लक्सर विधानसभा में एक रेलवे ब्रिज बनना था जो अंडर पास था, उसका चुनाव से पहले संजय गुप्ता ने एक झूठा जनता को भ्रमित कर उसका शिलान्यास भी किया, लेकिन आज तक उसका कोई जीवपाठ नहीं हुआ, कोई टेंडर नहीं हुआ, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना विकास हुआ होगा और इससे क्षेत्रीय जनता भी देख रही कितना विकास है। जी काजल,
प्रवीण, तो आम जनता ने क्या मन बना लिया है, क्योंकि अब समय आ गया है अपनी सरकार चुनने का? देखिए काजल, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो लक्सर जो भाजपा प्रत्याशी है, जो क्षेत्र के मतदाता है, मतदाता का कहना यह है कि हमें पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी से हमें ना कोई नफरत है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय विधायक संजय गुप्ता, उनका जो क्षेत्र की जनता है वो लगातार विरोध कर रही है, क्योंकि इन्होंने अगर विकास किया है या अपना विकास किया होगा, या जो इनके रिश्तेदार है या उनका विकास किया होगा, क्षेत्र की जनता का किसी भी तरह से इन्होंने कोई विकास नहीं किया, और इसी से क्षेत्र की जनता नाराज है। जो यहाँ के वर्तमान जो प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा के, इन सब काफी लोग असंतुष्ट नजर दिख रहे हैं, और जनता का यह भी कहना जो यहाँ के मतदाता है उनका यह कहना कि इस बार भाजपा को जो बहुमत मिलना था, उस जिससे जो पहली बार संजय गुप्ता विजय हुए थे, कम से कम क्षेत्र की जनता का यह कहना है कि जो 10,000 से विजय हुए थे, अब की बार जो भाजपा के प्रत्याशी उनको कहीं ना कहीं इस बार 15-20,000 भले जो बहुमत उससे उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। जी काजोल, चलिए ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। दीपक भारद्वाज भी मेरे साथ जुड़ गए हैं सितारगंज से। दीपक, सितारगंज में चुनावी फिजा क्या कह रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सितारगंज असर विधानसभा है, यहाँ से जो है क्षेत्रीय विधायक है, और यहाँ से जो है उनके द्वारा जो है क्षेत्र में विकास बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत गति से ज्यादा हुआ है, इसलिए सितारगंज की जनता जो है बहुत ज्यादा जो यहाँ पे पसंद कर रही है इनके द्वारा। जैसे कि भारत में क्षेत्र पड़ता है सितारगंज क्षेत्र में, उसमें जो है एक सूखी नदी का जो है उनके द्वारा बनवाया गया है, उसमें जो है जनता इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है, तो उस बार जनता ने अपना मन मना लिया है। शक्ति फार्म में एक तरफा वहाँ पे लगभग 42,000 वोट है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना मन बना लिया है कि उनकी एक तरफा जो है वहाँ से नहीं जिताएंगे। दीपक, इस बार सितारगंज में चुनावी मुद्दे कौन कौन से हैं? और जो है यहाँ पे जो है हेलो दीपक, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए दीपक तक मेरी आवाज आ रही है। जी जी बोलिए, चुनावी मुद्दे क्या क्या है इस बार सितारगंज में? हेलो तो दीपक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए प्रवीण का हम रुख करेंगे। प्रवीण, चुनावी मुद्दे कौन कौन से होने जा रहे हैं लक्सर में, ये बताइए। लक्सर में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक तो लक्सर का जो अंडरपास है, लगभग उससे जो हमारा नगर है उसकी जो यहाँ के मतदाता, और लगभग यहाँ के 15,000 के करीब मतदाता है, और उनको जो यहाँ के व्यापारी उनको भी अंडरपास ना होने की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जो लक्सर नगर के मतदाता है उनका सबसे बड़ा मुद्दा अंडरपास का रहेगा, जो भी उनका अंडरपास बनवाएगा, जो नगर के मतदाता है उनका उसी की तरफ जाने का इशारा भी कर रहे हो कि जो हमारा अंडरपास बनाएगा हम अपना मतदान उसी के पास करेंगे। नंबर दो बात करूं तो जो यहाँ स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की यहाँ बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लक्सर विधानसभा, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग की जो सेवा होनी चाहिए वो भी पूरी तरह से ठीक नहीं है, और जो यहाँ के डॉक्टर है, डॉक्टर यहाँ जो 2 डॉक्टर होने चाहिए या 10 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन मात्र 1 ही डॉक्टर के भरोसे हमारा जो लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो चल रहा है, और जो वो यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, कोई भी बड़ा नेता हो, वो हर बार घोषणा तो कर देता है कि यहाँ जो हमारा ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसको सिविल हॉस्पिटल में बनाया जाएगा, लेकिन आज तक इसका किसी ने और ध्यान नहीं दिया। और एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा और है जो आपको बताना चाहूंगा कि हमारा ये क्षेत्र बहुत ही पीड़ा क्षेत्र है, और यहाँ हर वर्ष जब भी बरसात आती है तो बरसात में यहाँ जल भराव की स्थिति हो जाती है, यहाँ के जो किसान हैं उनकी फसलें भी बर्बाद हो जाती है, और कुछ ग्रामीण ऐसे हैं जिनके गांव में पानी भर जाता है और उनके जो खाने पीने का सामान है वो भी नष्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि हो इस ओर आज तक नहीं ध्यान दे पाया। ये तो एक अनिवार्य समय बना बता ही पाएगा कि जो भी यहाँ का जनप्रतिनिधि चुनाव जीत कर जाएगा, क्या वो इस क्षेत्र की जो समस्या है उनसे यहाँ की जो मतदाता उनको कैसे निजात दिला पाते हैं। जी काजोल जी,
प्रवीण, देखिए आपने किसानों का जिक्र किया है और ये बताया कि वहाँ की समस्या क्या क्या है। आपने बताया कि जो अंडरपास है वो वहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। दूसरा आपने बताया कि स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर मैं जो तस्वीरों की बात करूँ तो स्वच्छता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, क्योंकि स्वच्छता बिल्कुल नज़र नहीं आती है। सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जो कच्ची सड़कें हैं वो भी पूरी तरह से बरसात के पानी की वजह से कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि किसान बेहद परेशान यहाँ रहते हैं, आप कहते हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आता है, तो विधायक जी क्या सिर्फ सोते रहते हैं अपने घर में या क्षेत्र का भ्रमण भी करते हैं, देखते हैं क्या समस्या है लोगों को? देखो काजोली, मैं बताना चाहूंगा कि जो यहाँ के विधायक वो 5 साल तक भी सोते ही रहते हैं। अगर उनके क्षेत्र में घूमने की बात की जाए, विधायक के साथ उनका एक गन्ना रहता है, मात्र एक उनका जो ड्राइवर है, सिर्फ उनकी गाड़ी में 3 लोग होते हैं। और लगभग उन्होंने पिछले 2 वर्षों से लखतर में एक अपना कार्यालय बनाया था। और क्षेत्र की जनता को यह भी नहीं जानकारी है कि जो हमारे विधायक हैं उन विधायक का हमारा कार्यालय कहाँ है, जिससे हम अपनी समस्या उनके बता सके। या अभी समस्या उनका हमारे जो क्षेत्र प्रतिनिधि को हमारा कोई समाधान कर दिए, लेकिन क्षेत्रीय जनता को तो आज तक जो हमारे विधायक उनके कार्यालय की जानकारी नहीं, कार्यालय कहाँ हमारे विधायक का। और मैं समझता की करूँ, बात करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो लखतर विधानसभा है उसमें डबल की नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है, क्योंकि भाजपा की सरकार है, भाजपा के विधायक है और भाजपा के ही नगर पालिका अध्यक्ष भी है। लेकिन जब 3 लोग ही ट्रिपल इंजन की सरकार में ना तो स्वास्थ्य का कोई क्षेत्रीय जनता को लाभ मिल पा रहा है, ना ही सड़कों का कोई निर्माण कार्य किया जा रहा, अब बाकी जब ट्रिपल सरकार रहेगी। बिल्कुल प्रवीण, चलिए ठीक है, ठीक है, मान लिया कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो योजनाएं हैं वो तो हर क्षेत्र के लिए आ रही हैं, वहां पर पहुंचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी विधायक की है, वो विधायक कोई काम नहीं कर रहा है। आम जनता को ये नहीं पता कि उनका कार्यालय कहाँ है, वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इस बार कुछ तो मन बना लिया होगा। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लखतर विधानसभा में लगभग 10 प्रत्याशी हैं जो अपने किस्मत आजमा रहे हैं, और आने वाले जो 14 तारीख है इसको जनता बता भी देगी कि कौन प्रत्याशी। लेकिन अगर यहाँ बात की जाए, जो पूर्व विधानसभा चुनाव है उनमें भाजपा या कांग्रेस का ही आमने सामने का मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार जो विधानसभा चुनाव है इसमें जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी हैं वो कहीं तक किसी के मुकाबले में सामने नहीं देख रहे हैं। जो हमारे क्षेत्र में है जो लखतर विधानसभा, इसमें या तो कांग्रेस या बसपा दो ही प्रत्याशी हैं जिनमें आमने सामने का मुकाबला हुआ। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो जो क्षेत्रीय जनता है, क्षेत्रीय जनता से बात भी की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भाजपा के विधायक इस बार वो 14 नंबर पर जाएंगे, क्योंकि उनसे ज्यादा भारी जो भारी मतदाता है उनका रुझान है कि या तो जो हमारा स्थानीय प्रत्याशी है अजय वर्मा RJP के जो नगर का मतदाता उनका रुझान उनकी तरफ हो रहा, और बाकी जो क्षेत्रीय जनता उनका साफ तौर पर कहना है कि इस जो महंगाई की मार से वो पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस की मार हो, तो इसका कोई भी सामान हो, जिससे काफी समय से लगातार यही आवाज उठ रही कि महंगाई। अगर उसको देखकर बात की जाए तो जो यहाँ के मतदाता उनका कहना है कि लगातार भाजपा की सरकार देख रहे, लेकिन इस बार जो क्षेत्रीय जनता उसने मन बना लिया है कि कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन जरूर है। और इसी तरह बंगाल राज्य का जो आने वाला विधानसभा का स्तर का वो कहीं ना कहीं उनका रुझान कांग्रेस के प्रत्याशी की तरफ लगता है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है प्रवीण, प्रवीण आपको मैं यहाँ रोकूंगी, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हमारे सामने आ रही हैं, मैं चाहती हूं कि वो प्रतिक्रियाएं भी हम लोगों तक सुनाएं, लोगों तक पहुंचाएं, वहां की जनता क्या कहती है, क्या सोच रही है, वो भी हम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। ये रास्ते के बारे में भाई, ये रास्ता खराब हो रहा है, ये हमारा इसमें बहुत कीचड़ हो रही, बच्चे भी गिर पा रहे हैं, मंदिर से मैं जाते हैं बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी सड़क आप भी देख रहे हो, अभी आपको भी दिखा दी हो, ये जो भी तो पड़ी आज तक भी अरे 10 साल से अलग बने नहीं। इसमें ये जो हमारे यहाँ क्या नाम तरुण मास्टर जी, उन्होंने पत्थर गिरा दिए, उन्होंने पत्थर गिरे थे, अलग इसका कोई निर्माण हुआ नहीं। अरे खुद गांव के विधायक हैं, बहुत बड़ी बात है, गांव के विधायक हैं, अलग कुछ नहीं आता, क्या अलग न्याय लगे, न्याय हो गया।
तो सुना आपने किस तरीके से लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है, हमने बहुत उम्मीदें रखी थी लेकिन वो उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही हैं। दीपक भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या मेरी आवाज़ अब आप तक पहुँच पा रही है? दीपक, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आपकी आवाज। दीपक, ये बताइए कि सितारगंज में कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट डालने वाली है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्षेत्र में जो है विधायक सौरभ बगोड़ा जी के द्वारा जो है यहाँ के क्षेत्रीय विधायक है उनके द्वारा मुद्दे अधिक से अधिक जो है उनके द्वारा पूरे हो गए हैं। इनका जो है सितारगंज की जनता का जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो यहाँ के जो सूखी नदी का एक जो पुल था वो भी बन गया है, शक्ति फार्म क्षेत्र में सारे काम हो गए हैं, सितारगंज में डिग्री कॉलेज भी बन गया है जो कि सौरभ भोगड़ा का जो है एक तरफा चल रहा है, उनको ही जो है सितारगंज के लोग विजयी बनाएंगे। यानी कहा जा सकता है कि सितारगंज में जो जनता है वो बीजेपी को पसंद कर रही है, बीजेपी के काम को पसंद कर रही है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी 2017 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो है एक तरफा विधायक जो सौरभ बगोड़ा जो है पूर्ण बहुमत के साथ बहुत काफी संख्या में बहुत वोटों से जीते थे और इस बार भी जनता ने अपना मन बना लिया है कि सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में उन्हीं को ही सितारगंज सीट से विजय बनाना है। मुद्दे कौन कौन से आम जनता के, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मुद्दे जनता के जो भी थे विधायक सौरभ बगोड़ा के द्वारा सितारगंज क्षेत्र में अधिक से अधिक जितने सारे मुद्दे थे उन्होंने पूर्ण कर दिए हैं। और यहाँ पे महंगाई को लेकर जो मुद्दे थे, महंगाई को लेकर आम जनता त्रस्त है, क्या वो सही हो गया है? विकास क्या सितारगंज का भरपूर हो गया है? डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्या वहाँ पर है? शिक्षा व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पहुँच रही है? कनेक्टिविटी वहाँ पर बेहतर है? सड़कों की कनेक्टिविटी क्या बेहतर है? मैं ये आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वो मूलभूत सुविधाएं हैं जो आम जनता को चाहिए। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे CSC हॉस्पिटल है सितारगंज में, उसमें जो है कुछ डॉक्टरों की तैनाती नहीं है, उसकी वजह से जो है आम जनता को यहाँ पे जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और कुछ मतलब सड़कें कुछ रह गई हैं, वैसे ज्यादा से ज्यादा जो है सड़कें बन चुकी हैं और वो जो है आपकी जो है विधायक जी का जो कार्यकाल आएगा उसमें जो है पूर्ण हो जाएगा। ऐसा जनता कह रही है, जनता सोच रही है या ऐसा विधायक जी कह रहे हैं? जनता ने अपना मन बनाया है कि इस बार जो है फिर से जो है पूर्ण बहुमत के साथ सितारगंज से जो विधायक सौरभ बगोड़ा है फिर से उनको जो है पूर्ण रूप से जिताएंगे, क्योंकि उन्होंने सारे काम करवा दिए हैं। यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था है या यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, सारी चीजें उन्होंने मूल रूप से यहाँ पे सितारगंज क्षेत्र में करवा दी है। ऐसा कोई कार्य जो है सितारगंज क्षेत्र में शायद ही, मतलब जैसे कि आपने बताया कि जो महंगाई है, महंगाई तो जो है पूरे देश में ही चल रही है, वो महंगाई जो है एक साथ ही कम होगी जो भी है, और जो है सारे उन्होंने जो है काम करवाते हैं। तो यही तो मैं जानने की आपसे कोशिश कर रही हूँ कि जो मुद्दे हैं वो क्या हैं आम जनता के। कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि हमें इस चीज की उम्मीद थी, ये नहीं पूरा हो पाया है, या आगे हमें अगर हम फिर से उसी विधायक की वापसी चाहते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इन इन कामों को वो पूरा करेंगे। जैसा कि सितारगंज क्षेत्र है, यहाँ पे जो है शिक्षा की व्यवस्था थी या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टर्स की अभी कमी रह गई है, कुछ चीज़ें बाकी हैं यहाँ पे जो हॉस्पिटल में रह गया है उसके जो काम बाकी हैं, इसलिए जनता जो है इस बार फिर से जो है उनको पसंद कर रही है और इस बार फिर से उनको जो है पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी। चलिए ठीक है, प्रवीण लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जैसा कि अभी दीपक बता रहे हैं कि सितारगंज में एक बार फिर से जो आम जनता ने मन बना लिया है कि जो उनके विधायक रहे हैं उनको फिर से विधायक बनाना है, यानी कि वहां पर काम हुआ है और विकास कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, लक्सर में ऐसा दिखाई नहीं देता, क्या वजह हो सकती है, क्या समस्या आ रही है? देखिए बिल्कुल काजल, बताना चाहूंगा कि जो सितारगंज की बात हो रही, सितारगंज के जो विधायक वहां, मैं मानता हूँ उन्होंने विकास कार्य किए होंगे, लेकिन मैं अगर बात करूं जिला हरिद्वार की, जो यहाँ की 11 विधानसभा है, लेकिन 11 की 11 विधानसभा की स्थिति यही है कि जो विकास है वो विकास जो होना चाहिए था उस तरह के विकास में, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जो इनकी निधि है, इनको अपनी निधि भी वापसी करनी पड़े, तो मेरा तो मानना है कि विकास कैसे होगा? जो जनप्रतिनिधि अपनी निधि को ही खर्च नहीं कर पाए तो विकास की क्या उम्मीद की जा सकती है विधायकों से? विकास जो जी, लेकिन अगर बात की जाए जो मुद्दा है, चलो ठीक है मुद्दा महंगाई का पूरे देश का, लेकिन कहीं ना कहीं तो हमारे जनप्रतिनिधि है, अगर हम उनसे आने वाले समय
मतदान भी करते हैं उनके पक्ष में, तो हमारा मुद्दा सबसे पहला हमारा मुद्दा महंगाई का होगा भाई। गैस सिलेंडर की बात कर लो, डीजल की बात कर लो, दालों की बात कर लो, किसी भी प्रकार की है जो महंगाई महंगाई तो चरम सीमा पर है। जब तक हमारी जो महंगाई है अगर ये कम नहीं होगी तो किस तरह के विकास होंगे प्रवीण? इन्हीं मुद्दों की तो लड़ाई है और तो कोई लड़ाई है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताना वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जब हमारा जो मुद्दा है महंगाई का, अगर उस पर अंकुश नहीं लग पाया या सरकार ने नहीं लगा पाया पांच साल में भी, अगर मुद्दे होते या विकास की बात होती तो उत्तराखंड में तीन तीन मुख्यमंत्री बदलने क्या हो सकता थी? अगर विकास हो रहा है, ठीक है, ये बताइए, ये बताइए कि कोरोना काल में कैसी स्थिति थी वो हम सबने देखी है देश भर में। अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, आप बताते हैं कि जनप्रतिनिधि गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर आम जनता इंतजार करती रहती है लेकिन वो सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। क्या कोरोना काल में जब लोगों को जरूरत थी राशन की, पानी की और वैक्सीनेशन की, क्या जनप्रतिनिधि उन लोगों के पास पहुंचे थे? राशन पहुंचाया गया था और वैक्सीनेशन क्या लक्सर के तमाम लोगों का हो चुका है? देखिए बात अगर वैक्सीनेशन की जाए कि यहाँ की लक्सर के अंदर 99% वैक्सीनेशन हो चुका है, ये बहुत अच्छी बात जो है। जो हमारे यहाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 99% हो चुका है। जो यहाँ के हमारे चिकित्सा अधीक्षक हैं, अगर वो कोरोना काल में मैं उनकी अगर बात करूँ तो सबसे जो अधिक कोरोना काल में जो उनकी तरफ से जो क्षेत्रीय जनता है जो उनको सहयोग किया गया या जो समाज सेवी थे उनके द्वारा, वो किसी गरीब को भोजन की हो या राशन की हो उनके द्वारा तो की, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं मैंने तो उनको कभी क्षेत्र में देखा कि कोरोना काल में हमारे कोई जनप्रतिनिधि क्षेत्र में घूम रहे हैं? अगर जनप्रतिनिधि कोरोना काल में भी घूमते तो जो आज आने वाला जो 14 फरवरी का दिन है, मतदान भी होना है, उससे नाराज क्यों हो? क्षेत्र की जनता इसलिए तो नाराज है, जो मतदाता उसलिए नाराज है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे क्षेत्र की जनता इस 2022 के चुनाव में उनको मतदान कर सके। जी काजोल, धामी जी पर कितना विश्वास जता रही है जनता? देखे जो क्षेत्र की जनता है उनका मानना है कि जो धामी मुख्यमंत्री बने हैं हमारे उन्होंने विकास तो किया है, लेकिन लक्सर में इस बार जितनी बार भी वो आए हैं, एक बार आया, दो बार आया, या हरिद्वार गांव विधानसभा आया हो या हमारे लक्सर से पड़ती है कानपुर विधानसभा, लेकिन तो उन्होंने जो घोषणाएं की थी आज तक कोई भी घोषणा धरातल पर नहीं है। यहाँ की क्षेत्र की जनता का कहना है कि जो हमारे पुष्करिणी धामी मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, यानी प्रवीण इससे ये समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के चेहरे पसंद हैं, धामी जी पसंद हैं, लेकिन जो विधायक हैं वो काम नहीं धरातल पर उतरवा रहे हैं, उनसे नाराजगी है आम जनता को? बिल्कुल बिल्कुल काजू, मैंने बताया था पहले भी कि जो यहाँ क्षेत्रीय जनता है उनको पार्टी से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री से दिक्कत, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे इनको दिक्कत है। क्षेत्रीय जनता का कहना था कि अगर आप जो हमारे वर्तमान विधायक है अगर आप इनका टिकट चेंज करते हैं तो क्षेत्र की जनता वो भाजपा प्रत्याशी के साथ में रहेगी, अन्यथा वो दूसरे दल के साथ में जाएगी, वो मजबूर होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्र का विकास है उन्होंने कोई क्षेत्र का विकास किया ही नहीं है, तो इसे नाराज होकर तो मतदाता जो संजय गुप्ता विधायक है भाजपा उनसे नाराज है, असंतुष्ट हो रहे हैं। प्रवीण, आम आदमी पार्टी पर जनता कितना विश्वास जता पा रही है? क्योंकि कांग्रेस की सरकार देख ली है, बीजेपी की सरकार देख ली है आम जनता ने उत्तराखंड की। देखो आम आदमी पार्टी पहले तो बार ये बताना चाहूंगा कि जो जिला हरिद्वार हमारा पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका इस तरह से प्रचार प्रसार या उनकी एक दो सीट पहले भी निकल जाती है तो क्षेत्र की जनता उन पर विश्वास करती कि जो उनका कोई जनप्रतिनिधि चुना गया था उसने क्षेत्र में क्या विकास किया गया। अगर क्षेत्र में विकास होता है कोई भी जनप्रतिनिधि होता, बात करते हैं दिल्ली की, लेकिन दिल्ली और उत्तराखंड में काफी अंतर है, वो बात दिल्ली को करते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने ये कर दिया होगा, लेकिन जो उत्तराखंड है हमारा, जो उत्तराखंड है इसमें पहाड़ी और प्लान दो हिस्सों में हमारा उत्तराखंड बटा हुआ है। ठीक है प्रवीण, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीर क्लियर करने के लिए कि आखिर किस तरह से चुनावी माहौल जो है वो सितारगंज में या लक्सर में देखने के लिए मिल रहा है।
जैसा कि अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि लक्सर में अगर सीएम चेहरे की हम बात करें यानी कि धामी जी की, तो वो लोगों को पसंद आ रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर काम नहीं हो पा रहे हैं, जो विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे कहीं ना कहीं असंतुष्ट जनता जो है नजर आती है। वहीं सितारगंज की हम बात करें तो यहाँ की जनता संतुष्ट है अपने विधायक से और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भी वो अपने उन्हीं विधायक को चुनने जा रही है। तो ये था लक्सर और सितारगंज का माहौल। कर फिर हम लौटेंगे दो विधानसभाओं के साथ, वहां पर किस तरह का माहौल होगा, चुनावी फिजा किस तरफ बहती हुई नजर आएगी, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।